एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, और बड़ी खबर दिल्ली से। इस वक्त राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण होगा आज। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे लोकार्पण। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट, रिपोर्ट का विमोचन भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक होंगे इससे लाभान्वित। तो देखिए, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट, रिपोर्ट का विमोचन करेंगे गृहमंत्री। सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक होंगे लाभान्वित। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आज होगा लखपति दीदी महिला उद्यमी महासम्मेलन। सम्मेलन में जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण शामिल होते हुए नजर आएंगे। पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 25,000 लखपति दीदी महिला उद्यमी हिस्सा इसमें लेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 25,000 लखपति दीदी महिला उद्यमी इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। तो आज लखपति दीदी महिला उद्यमी महासम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण शामिल होंगे और पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। 25,000 लखपति दीदी महिला उद्यमी इसमें हिस्सा लेंगी। ये बड़ी जानकारी, लखपति दीदी महिला उद्यमी महासम्मेलन का आज आयोजन होने जा रहा है और जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत तमाम दिग्गज नेता इस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के 52 श्रद्धालु आज करेंगे रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दर्शन किए जाएंगे। आपको ये बता दें कि बस से सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या लाया जाएगा। तो आज हरियाणा कैबिनेट भी दर्शन करती हुई नजर आएगी। और इससे पहले तमाम राज्य, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, सभी कैबिनेट यानी कि सरकारें गई हैं रामलला के दरबार में। और आज जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये भी दर्शन करेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि हर राज्य से लोग जा रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे आम लोग हों। और ये 52 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं हरियाणा से, जो आज रामलला के दर्शन करेंगे। यानी कि हर राज्य के लोगों की भी ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अयोध्या पहुँचे, रामलला के दर्शन वो करें। और सभी जो श्रद्धालु जो जाएंगे आमजन, वो बस के माध्यम से अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तोहफा देने जा रहे हैं। आज महिला दिवस का मौका है और इस बीच मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं को तोहफा दिया जाना है। दरअसल राज्य में महिलाओं को आज फ्री सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि राजस्थान में महिलाओं के लिए फ्री सेवाएं। राजस्थान रोडवेज की बसेस में फ्री यात्रा महिलाएं कर पाएंगी। तो आज कोई भी महिला जो कि राजस्थान में रहती है, वो कहीं पे भी घूमने जा सकती है, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। एक रुपया नहीं देना होगा। देखिए, बिल्कुल महिला दिवस का मौका है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। इस बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री की ओर से भी महिलाओं को तोहफा दिया गया है आज विमेंस डे के मौके पर, और ये तोहफा है आज फ्री बस यात्रा। साक्षी, बिल्कुल, तो आज फ्री में यात्रा कर पाएंगी राजस्थान की महिलाएं। राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा की सौगात और तोहफा भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके द्वारा दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को बढ़ावा देना, और उनके लिए ये तोहफा। और देखिए, आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। राहुल वायनाड से लड़ सकते हैं चुनाव, और बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी मौजूद रहीं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर। चर्चा ये चल रही थी कि इस बार दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, अमेठी से भी और वायनाड से भी, लेकिन खबर यह है कि राहुल वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। बैठक में पार्टी अध्यक्ष और सोनिया गांधी मौजूद रही। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक, देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी अपनी एक सूची जारी कर चुकी है 195 उम्मीदवार की, और लगातार आगे भी बाकी के उम्मीदवारों के लिए चर्चा लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी हुई, क्योंकि देखिए अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अब इस अगले हफ्ते के भीतर अब जो चुनाव की तारीखें हैं वो सबके सामने होंगी। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, आम चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव को लेकर पार्टी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस की भी बैठक हुई, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, और चुनाव समिति की बैठक में खास तौर पर राहुल गांधी कैसे चुनाव लड़ने वाले, क्योंकि देखिए राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का,
प्रियंका गांधी भी कैसबर चुनावी मैदान में होंगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा से इस वक्त संसद पहुंच रही हैं, तो ऐसे में उनकी जो रायबरेली सीट थी वो खाली हो गई है। दूसरा, राहुल गांधी अमेठी से हमेशा चुनाव लड़ते रहे, पिछली बार दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा जिसमें अमेठी की हार का सामना करना पड़ा और वायनाड से वो चुनकर संसद में पहुंचे। अब क्या इस बार अमेठी में राहुल फिर से उतरने वाले हैं? क्या रायबरेली से जो चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है या प्रियंका गांधी इस बार चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी, उसको लेकर चर्चा चल रही थी। चुनाव समिति की बैठक हुई है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी मौजूद रहे, दोनों की ही मौजूदगी में चर्चा हुई, बाकी सदस्यों के साथ में भी चर्चा हुई चुनाव में अब आगे कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। तो राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने की चर्चा इस दौरान में हुई है, बैठक में पार्टी अध्यक्ष और सोनिया गांधी मौजूद रहे। बिल्कुल, तो देखिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं, और अब उस खबर का जिक्र और उस खबर की बात करेंगे। तमाम अखबार आप उठा लें तो फ्रंट पेज पर यह खबर छपी हुई है। दिल्ली से खबर, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा और भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी बढ़ी है, 300 रुपये सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी है और 10 करोड़ परिवारों को इसका सीधा फायदा होने जा रहा है। देखिए केंद्रीय कर्मियों को ये होली गिफ्ट, और तमाम अखबार उठा लीजिए, पहले भी मैंने जिक्र किया फ्रंट पेज पर यह खबर है, महंगाई भत्ता 4% से बढ़कर 50% हो गया है और 50 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। ये भी आपको बताते चले कि कच्चे जूट की MSP 285 प्रति क्विंटल बढ़ी है, तो साथ ही साथ 300 रुपये सब्सिडी उज्ज्वला के तहत मिलती रहेगी। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी 1 अप्रैल से अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दी है, और पिछले साल अक्टूबर में प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर भराने तक सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया है और इससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है और इस पर 12,000 करोड़ खर्च आएगा। तो केंद्र सरकार ने वीरवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। और देखिए क्योंकि ये खबर आज हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर है, ऐसे में दैनिक जागरण की अगर बात करें तो इस खबर का जिक्र किया गया है, DA बढ़ा है, ग्रेजुएटी सीमा हुई है 25 लाख, महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हुई है, 49.18 लाख केंद्रीय कर्मियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात बरेली की कर लेते हैं। 10 साल पहले ट्रिपल मर्डर केस में सजा का ऐलान, ट्रिपल मर्डर केस में आरोपियों को सजा और ऐसे में कोर्ट ने सुनाई है 8 को फांसी की सजा। इंस्पेक्टर के घर डकैती डालने पहुंचे थे ये, विरोध पर माँ भाई और भाभी को मारा था और अब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान किया गया है। 10 साल पहले का ये पूरा केस है, ट्रिपल मर्डर केस में आरोपियों को सजा का ऐलान किया गया है, कोर्ट ने 8 को फांसी की सजा सुनाई है। इंस्पेक्टर के घर पर डकैती डालने पहुंचे थे ये लोग और इन्होंने विरोध पर माँ भाई और भाभी को मारा था, बरेली का ये पूरा मामला। अगली खबर कानपुर से, कल हम जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरीके से इरफान सोलंकी के घर पर ED की छापेमारी की गई, 6 साल में 282% बढ़ी है इरफान की प्रॉपर्टी और इसी के चलते इन इनपुट्स के आधार पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। अकाउंट से 12 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी इन ED की टीम को मिली है। इस बीच रिटर्न में 6 लाख औसत आय दिखाई गई है, यानी कि जो दिखाया गया है उससे कई ज्यादा पैसा यहाँ पर इरफान सोलंकी के द्वारा बनाया जा रहा था। 282% आप सोचिए इरफान की प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ 6 साल के अंदर और इसी वजह से जांच का विषय ये पूरा मामला बना। इरफान सोलंकी के खिलाफ में ऑलरेडी कई सारे मामले दर्ज हैं और ED की टीम भी अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मुश्किलों में इरफान सोलंकी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, देखिए जाहिर तौर पर कल उनके भाई के घर पर छापा, उनके जाने वाली एक और समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर छापा और छापे पर इस तरीके से छापे लगातार इरफान सोलंकी के आवास पर पड़ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी लगातार वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे इरफान सोलंकी ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इरफान सोलंकी के लिए मुश्किलें कम होती तो कम से कम नजर नहीं आ रही। 6 साल में 280% इरफान की प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया, अकाउंट से 12 करोड़ का ट्रांजेक्शन, रिटर्न में 6 लाख औसत की आय दिखाई। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर लगातार ED जांच पड़ताल कर रही है और इसीलिए ED की छापेमारी से जाहिर तौर पर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही इरफान सोलंकी की। आगे बढ़ते बात होगी दिल्ली की, यूको बैंक से जुड़े स्कैम मामले की बात करेंगे। केस में 67 ठिकानों पर CBI की छापेमारी की कार्रवाई, मोबाइल हार्ड डिस्क सीज हुई है,
850 करोड़ के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो यूको बैंक से जुड़ा हुआ ये स्कैम है जिस मामले का जिक्र अभी हम कर रहे हैं, 850 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जिक्र जिसमें हो रहा है 67 ठिकानों पर। इसी को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है, मोबाइल और हार्ड डिस्क को भी सीज कर दिया गया है। तो ये यूको बैंक से जुड़ा हुआ स्कैम है जिसमें 850 करोड़ रुपए के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और केस में 67 ठिकानों पर अब तक सीबीआई की छापेमारी रही है। बिल्कुल, और बीते दो दिनों में 30 संदिग्धों से पूछताछ की गई इस पूरे मामले में। सीबीआई के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी कि 7 निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाता धारकों से शुरू किए गए आवक लेन देन को लेकर 41,000 यूके बैंक के 41,000 से अधिक खाता धारकों के खातों के गलत तरीके से पोस्ट किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हाईकोर्ट के किसान आंदोलन को फटकार, किसान नेताओं को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हथियार समेत प्रदर्शन बहुत शर्मनाक है ये कहा गया है, तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे, ये सवाल भी पूछा गया। देखिए तस्वीरें आपने देखी होगी, जिस तरह से किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इसे लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। किसान नेताओं को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि हथियार समेत प्रदर्शन बहुत शर्मनाक है और तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है। तो देखिए कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। ये कहा था कि आप विरोध कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, लेकिन दूसरों के पास भी अधिकार है और आप अपने अधिकार के लिए दूसरों के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। बात आगे बढ़ते हुए और कुछ खबरों की करते हैं। एमपी से गुजरात पहुंची है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जालौद में राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया है, राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं दी गई एंट्री, आदिवासी होने के चलते उन्हें एंट्री नहीं दी गई। तो देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उनकी तरफ से एक बार फिर से अब जो बयान दिया गया, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर बीजेपी आक्रामक होगी और सवाल राहुल गांधी से पूछे जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति क्योंकि आदिवासी हैं इसीलिए उन्हें राम मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। अब जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बनाएगी। प्रीति, मुद्दा हमें याद है कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तब भी उठाया गया था कि प्रधानमंत्री ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में अंदर मौजूद है, राष्ट्रपति क्यों नहीं मौजूद है, और उस बीच ये भी सवाल उठाए गए थे कि जो शंकराचार्य हैं, जो आचार्य, उनसे क्यों नहीं कराई जा रही पूजा। हालांकि विपक्ष लगातार आक्रामक रहा इस पूरे मामले को लेकर। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि एडीआर की एसबीआई के खिलाफ में अवमानना की याचिका सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जानकारी का समय और इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, 6 मार्च तक देने के लिए कहा गया था, बैंक ने समय मांगा था। एडीआर की एसबीआई के खिलाफ में अवमानना किया चुका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी जौनपुर की, जहां पर भाजपा जिला मंत्री की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।